ये हमारे पास में 20 सोलर पैनल हैं। जब हमें कुएं की मोटर नहीं चलानी होती है तब हमें हमें घर की लाइट के यूज करने के लिए, इसके लिए हमने एक इन्वर्टर खरीदा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसके लिए हमने ये इन्वर्टर खरीदा है। ये इन्वर्टर में पीछे से सोलर पैनल से सप्लाई आ रही है, ये दो सीरीज में सप्लाई आ रही है, एक सीरीज ये है, दूसरी सीरीज ये है। ये हमारे लाइट का है, जो हमारे गवर्नमेंट कनेक्शन है उससे लाइट आती हुआ है, जो कि हम दिन में उसको बंद रखते हैं। एमसीबी की ये लाइट की एमसीबी है, हम दिन में बंद रखते हैं इसको। ये सोलर की एमसीबी है, ये 7.5 KVA का है, इसको हम देखे तो 6 kW बनता है इसका। इस पे हम आपको लोड डाल के दिखाते हैं। ये 2000 वाट की हमारी एक रोड है पानी की गर्म करने की। ये रोड स्टार्ट हो गई, इसमें पानी में बुदबुदे उठने शुरू हो गए हैं। इसके साथ में हम एक 2000 वाट की गर्म पानी करने की केतली चला के दिखाते हैं आपको। ये 2000 वाट की गर्म पानी करने की केतली है। इसके साथ में हम 2 HP की एक क्रम्पटन की मोटर चलाते हैं, साथ में पूरे घर का लोड इस पे रहता है। ये हमारे फिश तालाब है, उसके ऊपर हमने एक ये 2 HP क्रम्पटन की मोटर लगा रखी है, जो 1.5 KW की है। लगभग हम इसके अंदर दिन के अंदर 7.5 HP लोड के ऊपर चलाते हैं, जिसमें बहुत बार एक साथ में 7.5 HP लोड भी देख रहता है दिन के अंदर, जब हम गर्म पानी करते हैं वो टाइम पे। साथ में हम इसमें आटा चक्की भी चलाते हैं, आज हमने आटा चक्की नहीं चलाई हुई है। 7 HP तक के लोड में ये ट्रिप नहीं होता है। दूसरा फायदा इसका ये है, यदि हम इसकी सप्लाई चालू करके रखें तो यदि सोलर पैनल में यदि आगे से वोल्टेज कम मिल रहे हो तो ये मेन सप्लाई लेना साथ में शुरू कर देता है,